जी गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी ठंडी रबड़ी खाइए ने बापू जी। जलेबी खाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे मैं फटाफट बना के लेके आऊंगी। बापू जी आप कहिए क्या खाना। क्रीम रोल, क्रीम रोल खाएंगे, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। हेलो की भारत, जीजा जी तू मुझसे मिलने आया है? नहीं जीजा जी, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, आपके साथ रहने आया हूँ। सॉरी बेटा, तुझसे पूछे बिना मैं उस घर को छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। ये कहीं कोने में पड़ा रहूंगा या बाहर चद्दर बिछा के सो जाऊंगा। मैं तुम्हारे काम में मदद करूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जो कहोगे ना वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मेरे जीजा जी से अलग मत कीजिए। ए रामानुज, इनसे कहना ये तुम्हारी बात मानती है। पहली बात तो मामा जी, मेरा नाम रामानुज नहीं है, अनुज है। और दूसरी बात, इस घर में तुम परिभाते जरा भी नहीं होगी, क्योंकि ये घर जिनका है ना, वो दोनों बस हंसते हंसाते रहते। हाँ, ये किसका घर है? ये घर आपका और बापूजी का। जीजा जी, अनुपमा, आप लोग कौन से मेले का चंदा इकट्ठा करने यहाँ पे आए हैं? चंदा। हैप्पी न्यू ईयर। कूल डूड। ओहो, तो गुजराती न्यू ईयर के दिन कौन कौन गुजराती ब्रेकफास्ट करेगा? हूँ अने जीजा जी। ए छोकरे, हूँ पन। अरे हूँ पन। और मैं भी। दुनिया कहे गरीब जिसे, उसने ही दौलत पाई है। उसके घर आंगन में देखो कितनी खुशियां आई हैं। रिश्ते, प्यार और अपनापन, ये सबसे बड़ी कमाई है। यही सबसे बड़ी कमाई है। मनराज का फोन है। मत उठाना। नहीं नहीं, उठाओ मत। नहीं नहीं, बिल्कुल उठाओ मत। नहीं नहीं, वो मुझसे बात करना चाहेगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। लेकिन बापू जी, नहीं, अगर वनराज को पता चल गया कि उसके बाप के साथ क्या हुआ है, तो मुझे पता नहीं वो मेरा बेटा क्या करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन लोगों को और परेशानी हो। नहीं नहीं भी बताएंगे बापूजी, तो भी मिस्टर शाह को पता चलना ही है। नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं बताएगा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। सब सुन लो, मनराज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, जैसा आप कहें। नहीं चलेगा। अगर आप वापस घर आ जाएंगे तो वी को कुछ नहीं पता चलेगा बापूजी। आज नया साल है बापूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। प्लीज हमारे साथ घर वापस चलिए, हम आपको लेने आए हैं बापूजी। सच तो ये है कि ना आप कभी अच्छे पति थे, ना कभी अच्छे पिता। आप तब भी फेल थे और आज भी फेल है। आज के बाद घर में एक गूंगे गुड्डे की तरह रहेंगे, न मेरे खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न मेरे बेटे के खिलाफ। आज से घर में सिर्फ मेरा राज होगा, मेरी आवाज होगी। आप सिर्फ सर हिलाएंगे और वो भी हाँ में। हाँ,
इट्स ओके अनुज, अब तो सब कुछ सबके सामने ही है, अब क्या छुपाना। आज तक पति वाला काम किया है आपने? अरे पति तो क्या, पिता वाला काम किया है आपने? अंदर आ जाइए। बात जस्ट इमेजिन, जब भी वापस आएगा और देखेगा कि बाबूजी गुस्से में घर छोड़ के चले गए और उनके पीछे मामा जी भी घर छोड़ के चले गए, तो भी हम पे कितना नाराज होगा बा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर बाबूजी को सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसमें हर्जी क्या है? हस्बैंड वाइफ में कैसी गो बा? आपको बाबूजी को मनाना ही होगा, चाहे इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, अपना अपनी नाक रगड़नी पड़े, सर झुकाना पड़े खुद। आप तो उस जनरेशन से आती है ना, जहाँ पे सारी औरतें अपने पति को पति परमेश्वर की नजरों से देखती है। सारी औरतें सालों से ऐसी जीती आ रही है बा, तो क्या आप आधे घंटे के लिए ऐसा नहीं कर सकती हैं? क्या जाएगा बा? वरना कहीं मामा जी की तरह बाकी सब भी एक एक करके अनुपमा के साथ ही शिफ्ट हो गए तो? बा आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको परिवार को टूट जाने देना है या फिर जोड़े रखना है बा? आपको खुद जीतना है या आपको अनुपमा को जीतने देना है? अपने घर चली। घर पे चल क्या रहा है? तोशो को फोन किया तो बोलता है आई कॉल बैक। बा का फोन बंद आ रहा है, काव्या मामा जी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? शायद न्यू ईयर है तो सब बिजी होंगे, पूजा कर रहे होंगे, इसलिए ये फोन नहीं उठा रहे। लेकिन किसी ने अभी तक मुझे न्यू ईयर विश करने के लिए भी फोन नहीं किया। मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा हुआ मैं सूरत की जगह अहमदाबाद में रुक गया। पता नहीं क्या हुआ है घर में। अनुपमा मेरे पति का हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। चलिए, जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके बीच में हुआ, बाहर वालों का इसमें कोई काम नहीं है। चलिए अपने घर चलिए, वहां बात करते हैं। चलिए बात संभल के। मैं मेरे पति को कैसे भी लेकर जाऊं, तुझे क्या, तू बीच में मत बोल। बोलूंगी, अगर आपके पति है तो मेरे भी पिता है, अगर इनको तकलीफ होगी तो एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी। चलिए चलिए। मम्मी बा को रोकिए। पिता को तो रोक सकती हूँ, लेकिन पति पत्नी के बीच में कैसे भूलूं? नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे मुझे नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।